गाइस, हैप्पी मकर संक्रांति। देखिए, सवेरे सवे उठ के जा रहे हैं स्नान करने के लिए। बोला जाता है कि स्नान करने के बाद कल जो है, कल के नीचे से लाई निकलता है। लाई निकलने के बाद सब लोग खाते हैं, पता नहीं कहाँ तक सत्य है असत्य है पता नहीं। तो लाई तो कटा हुआ है, फिर भी हम जा रहे हैं कल के इंतजार में निकालने के लिए लाई, और उसमें से लाई निकलेगा। हम नहाएंगे, फिलहाल अभी मुँह धो लेते हैं। तो दतवन से मुँह धो लेते हैं। मुँह धोने के बाद आ गए हैं कल के पास में। इसमें से लाई निकलता है, पता नहीं कैसे निकलता है। पानी चलाएंगे और लाई निकालेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो पे के है आई। लाई निकले कि ना? गरीब आदमी का लाई नहीं निकले है। तो दोस्तों, ये हुआ बात कि गरीब आदमी का लाई नहीं निकलता है, अमीर आदमी का निकलता है। चलिए संजय भैया कॉल पे जाते हैं आज। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आओ देखिए, निर्मल चाचू वो कल चला रहे हैं, पता नहीं लाई निकला कि नहीं निकला। आई हैव नो आइडिया। लाई निकल रहा हो? नहीं निकल रहा? दिखाओ पहले बाल्टी निकल रहा कि नहीं। जा, इनको भी लाई नहीं निकल, सब ठेक ले के है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। जहाँ तक बात ये हुई कि कॉल में से लाई निकलता है कि नहीं निकलता है, पता नहीं। नहाने के बाद पता चलेगा, दो तीन गो आदमी से पूछे तो बोला नहीं निकलता है। तो हम मुँह धो लेते हैं बढ़िया से, कहे कि लाई खाने के बाद दांत तो टूट जाएगा ना, नहीं धोएंगे तो। तो होना चाहिए अच्छा से मुँह सफाई। हैदुरवानों को लगता है हम नहा लिए, बताइए सवेर सवेर हम कैसे नहा सकते हैं। आई जगह किए हैं एकदम, ब्रश व्रश नहीं करेंगे आज, अब दतमन से धोएंगे। क्योंकि लाल जो होता है थोड़ा मीठा वाला जो होता है ना, वो होता है थोड़ा करगर टाइप का। ब्रश से मुँह धोने दांत टूटने का डर रहता है, दतमन धोने पर स्ट्रांग रहता है। देखिए, नीम का दतमन से धो रहे हैं। मुँह धोना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जाएंगे स्नान करने के लिए। स्नान करते हैं, जाते हैं उला उला करके, ठीक है। अब इसमें से लाई निकलेगा, आप इंतजार कीजिए। हाँ देखिए, लाई निकलेगा, आप निकलेगा, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, आप निकलेगा लाई इसमें से, आप निकलेगा मुड़ी वाला सीधा वाला। हाँ निकल रहा है, कभी निकल रहे, आप निकलेगा लाई, इंतजार कीजिए। आज देखिए, आप निकलने से आए निकल रहा है, कौन लाई निकलते रहे निकलेगा, आप निकल रहा है, आप निकलेगा, आप निकलेगा, नहीं निकला, आप निकलेगा, निकलेगा निकला अभी बाकी। अरे साला दोस्तों, देखिए ये लोग खटवा दिया सवेरे सवेरे इतना लोभ में। कल चला के पानी निकालो, उसमें से लाई निकलेगा। साला लाई तो निकला नहीं, हमारा दम निकल गया। देख रहे हैं, यही होता है नौटंकी, पूरा बाल्टी भर दिए कुछ नहीं निकला। आप इतना मेहनत कर ये लिए हैं तो स्नान भी कर लेते हैं, क्या पता दूसरे का बाल्टी में चच्चा नहाए तो कहीं निकल जाए पानी में से लाई। बोला लाई हम ले लेंगे ना, टेंशन नहीं लेने का। तो नहा, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? ओ माय गॉड, हो गया हमने नहाने वाले। दोस्तों पानी बहुत ठंडा है, लाई के चक्कर में रिक्स न ले, ये बड़ा खतरनाक डेंजर सिचुएशन वाला बात है, ठीक है। लाई वो नहीं मिलता है, हम नहा लेते हैं, नहाएंगे सब दोस्तों। स्नान हो गया गरम गरम पानी से, और बोलते हैं ठंडा लगता है, ठंडा ओंडा नहीं लगता है, ठीक है। आप ताज़ा पानी से नहाइए, कोई ठंडा ओंडा नहीं लगता है। अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं तब ठंडा लगता है, इसीलिए हम ताज़ा पानी से नहाए, कोई ठंडा ओंडा नहीं लगा। एकदम मस्त वहाँ देख रहे हैं, घूम रहे हैं, पूरा फॉग है ठंडा का मौसम, फिर भी हम नंगे पुंगे घूम रहे हैं स्नान करके। तो दोस्तों जल्दी से जाएं और आप भी स्नान करें, ठीक है। आगे कार्यक्रम और दिखाते हैं।
तब तक बने रहिए हमारे वीडियो पे। तो दोस्तों नहा सुना के फिट हो गए हैं, देखिए हम नहा लिए ठंडी में और अब दही चूड़ा का कार्यक्रम होगा। पहले उसके पहले तिल चावल ले लेते हैं। लाओ बाबा ही ना तिल चावल। हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर। ये तिल चावल का कार्यक्रम पूरा हुआ, इसको खाते हैं, आज का प्रसाद यही है। तो ये रहा आज का भोजन, दही चूरा चीनी तिल कुट बादाम पट्टी गजक कचक पचक। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था वो कर रहे हैं अभी ख़त्म, क्योंकि टाइम हो गया है हमारा ड्यूटी जाने का, टाइम बहुत काफ़ी हो चुका है और लाइट नहीं, जिसके कारण अंधेरा थोड़ा सा वीडियो नज़र आ रहा है। बाहर की ओर निकल के देखते हैं कुछ क्लीन आए। हाँ तो बाहर में थोड़ा क्लीन वीडियो आ रहा है क्योंकि रोशनी आ रही है। तो मकर संक्रांति की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई, सही देखते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और बताइएगा आपको ऐसा अच्छा लगा या नहीं लगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।